वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाइट वॉकर। मैं हूं राइडर अनिकेत और आज मैं आ चुका हूं अपना नया रेस KTM शोरूम सेवक रोड KTM। और आज मैं यहां पर करने वाला हूं KTM की एक बाइक का रिव्यू। तो कौन सा वाला मॉडल है, बाइक में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, सब कुछ बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए अभी दिखाते हैं कौन सा वाला मॉडल का आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't got the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluffing. My squad. और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ KTM RC390 MotoGP एडिशन। एंड सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरा नियरेस्ट KTM शोरूम सेवक रोड KTM। KTM के रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो और आप लोग मेरा ये वीडियो नॉर्थ बंगाल से देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लोग विजिट कीजिए सेवक रोड KTM। डिस्क्रिप्शन में शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल सब मिल जाएगा या डिस्प्ले पे अभी शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ चुका होगा। आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, इसका रिव्यू करते हैं क्या क्या फीचर्स इस बाइक में हमें मिलते हैं, इसके साथ प्राइस सब कुछ बताएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा KTM RC390 का अभी हमें टोटल दो वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, MotoGP एडिशन इसके साथ स्टैंडर्ड एडिशन। मेरे सामने जो अभी देख रहे हो वो MotoGP एडिशन एंड इसका एक सिंगल कलर ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका जो स्टैंडर्ड एडिशन है वहाँ पर हमें दो कलर ऑप्शन देखने को मिलता है एंड दोनों का ही इमेज मैं वीडियो की एंड में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग उसको भी चेक कर लीजिए। तो अभी शुरू करते हैं सीधा इसका फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट से आप लोग देखिए इसका जो लुक्स है, पहले का जो जनरेशन है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाएगा। फ्रेश डिज़ाइन में हमें मिलता है। फ्रंट में हमें यहाँ पर मिल जाएगा स्मोक फिनिश में इसका विंडशील्ड, इसके साथ जो रियर व्यू मिरर्स है वो हमें मिल जाएगा ब्लैक कलर में। बॉडी माउंट रियर व्यू मिरर्स जो कि वाइडर रियर व्यू मिरर्स हमें मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हमें मिलता है बॉडी माउंट टर्न इंडिकेटर्स जो कि LED सेटअप के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। एंड इस बाइक में जितना भी लाइट्स है, फ्रंट हेडलाइट, टेल लाइट एंड जो इंडिकेटर्स है सब कुछ हमें LED सेटअप के साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड में यहाँ पर हमें LED DRLs भी देखने को मिलता है। इग्निशन ऑन करके उसके बाद आप लोगों को दिखाता है। एंड आप लोग देखिए जो इसका जो DRLs है इसका पोजिशन, फ्रंट से एक यूनिक सा डिज़ाइन हमें देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट वाला जो पार्ट एक मतलब एक देखने को सामने से अगर आप लोग अच्छे से देखोगे एक बिग बाइक का फील हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर हमें मिल जाएगा फुल LED हेडलैम्प एंड जो हेडलैम्प है वो हमें स्प्लिट हेडलैम्प यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रंट में हमें मिलता है फ्रंट नंबर प्लेट हैंगर, इसके साथ बाइक का जो कलर आप लोग देखिए टोटली हमें ऑरेंज कलर में मिलता है। इसके साथ हमें कई कई ब्लैक कॉम्बिनेशन का स्टिकरिंग हमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ यहाँ पर हमें वाइट कलर का स्टिकरिंग भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट का जो सस्पेंशन हम लोगों को मिलता है 43mm डायमीटर्स WP एपेक्स का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि ब्लैक कलर में हमें देखने को मिलता है। एंड जो फ्रंट मडगार्ड है वो हमें मिल जाएगा ऑरेंज कलर में। एंड MotoGP एडिशन में हमें यहाँ पर बहुत सारा स्टिकर का वर्क देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर MotoDex का स्टिकरिंग मिलता है, यहाँ पर WP का स्टिकरिंग देखने को मिल जाएगा जो कि ब्लैक कलर में हमें देखने को मिलता है। एंड इसके साथ बाइक का फ्रंट ब्रेक हम लोगों को मिलता है लार्जर 320mm डिस्क विद बाइब्री का 6-piston कैलिपर्स हमें देखने को मिल जाएगा। एंड जो डिस्क भी हमें थोड़ा सा नैरो हमें देखने को मिलता है फॉर बेटर हीट मैनेजमेंट के लिए। बाकी इस बाइक में हमें डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड हमें देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट टायर्स हम लोग को मिलता है 110x70x R17 का ट्यूबलेस टायर्स। एंड टायर्स भी हमें वाइडर टायर्स हमें देखने को मिल जाएगा। एंड बाइक की साइड प्रोफाइल आप लोग देखिए हमें टोटली ऑरेंज कलर में मिलता है। एंड यहाँ पर हमें KTM का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर रेडी टू रेस का ब्रांडिंग हमें देखने को मिलता है जो कि KTM का टैग लाइन है। बाकी हमें यहाँ पर एक्रापोबिक का ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगा। एंड टोटल जो पार्ट है उसका जो स्टिकर वर्क है वो हमें ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। बाकी जो फ्रंट सस्पेंशन है इसकी बोथ साइड हमें ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलता है। एंड फ्रंट जो एलॉयस है उसका डिज़ाइन में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलता है, ब्लैक कलर का एलॉयस हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी हमें यहाँ पर WP का ब्रांडिंग भी देखने को मिलता है। अभी आते हैं हार्ट ऑफ दिस बाइक द इंजन। 400cc में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन वो हमें इसी बाइक में मिलता है। हम लोगों को मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वेल्व
लिक्विड कूलेड बीएससी कंप्लाइंट एफआई इंजन जो कि केटीएम का डीओएससी टेक्नोलॉजी के साथ हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी इंजन पे हमें यहाँ पर रेसिंग केटीएम का ब्रांडिंग मिलता है जो कि ऑरेंज कलर में हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें ऑयल फिल्टर का कंटेनर भी देखने को मिलता है। एंड इस इंजन की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम लोगों को मिलता है 373 सीसी का डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ इस इंजन की पावर आउटपुट हम लोगों को मिल जाएगा 43.5 पीएस मैक्स पावर एट 9000 आरपीएम। इसके साथ हम लोगों को मिलता है 37 एनएम का मैक्स टॉर्क जो कि हम लोगों को मिल जाएगा 7000 आरपीएम पर। एंड इस बाइक का गियर बॉक्स हम लोगों को मिल जाएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके साथ क्लच हम लोगों को मिलता है असिस्ट विथ स्लीपर क्लच। एंड बाइक का फ्रेम हम लोगों को मिल जाएगा स्प्लिट स्टील ट्रेलिस फ्रेम। एंड फ्रेम हमें ट्विन कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। फ्रंट वाला जो पार्ट है वो हमें ऑरेंज कलर में मिलता है एंड रियर वाला जो सेक्शन है वो हमें ब्लैक कलर में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इस बाइक का जो मोनोशॉक है वो भी पहले से बहुत ज़्यादा एडवांस हमें देखने को मिल जाएगा। रियर में हम लोग को मिलता है WP एपेक्स का मोनोशॉक जो कि 10 स्टेप में हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से। बाकी राइडर फुट पैक्स हमें मिल जाएगा एल्युमिनियम फिनिश के साथ, इसके ऊपर रबर का ग्रिपिंग हमें देखने को मिल जाएगा। पिलियन फुट पैक्स भी हमें सेम कॉम्बिनेशन में देखने को मिलता है। एंड RC390 का जो एग्जॉस्ट है उसका डिज़ाइन भी हमें चेंजेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें KTM का ब्रांडिंग मिलता है। इसका एग्जॉस्ट नोट आगे हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे कैसा एग्जॉस्ट नोट हमें इस बाइक में मिलता है। बाकी रियर का जो ब्रेक है, रियर में हम लोग को मिलता है 230mm डिस्क विद बाइब्रिक का सिंगल पिस्टन कैलिपर। एंड यहाँ पर हमें ABS देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इस बाइक में सुपर मोटो ABS भी हमें देखने को मिलता है स्टैंडर्ड। एंड रियर का जो स्विंग आर्म है वो हमें मिल जाएगा एलुमिनियम स्विंग आर्म। एंड रियर टायर्स हम लोगों को मिलता है 150x60x R17 का मेडजिलर का ट्यूबलेस टायर्स। एंड मेडजिलर का जो टायर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिप हम लोग को प्रोवाइड करेगा। आप लोग इसको कॉर्नरिंग पे बहुत ईजिली लेके जा सकते हो, अच्छे से लीन कर सकते हो। बाकी इसका जो टायर प्रोफाइल है आप लोग देखिए, बहुत ही ज़्यादा वाइडर टायर्स हमें मिल जाएगा। एंड इसके साथ यहाँ पर जो टायर हगर है, यहाँ पर हमें KTM का ब्रांडिंग मिलता है। जो टायर हगर है वो रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट से हम लोग को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। बाकी अभी चलते हैं बाइक के टेल सेक्शन, टेल में देखते हैं क्या क्या हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले टेल सेक्शन का जो कलर है वो हमें मैट ऑरेंज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें 390 रेडी टू रेस का ब्रांडिंग मिलता है। इसके साथ इस बाइक में हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड ब्लैक कलर में स्प्लिट गैब्रियल्स। जो टेल लाइट है वो हमें मिल जाएगा फुल LED टेल लैम्प। इसके साथ टर्न इंडिकेटर्स हमें मिल जाएगा LED के साथ। यहाँ पर मिल जाएगा रियर नंबर प्लेट हैंगर एंड यहाँ पर मिल जाएगा नंबर प्लेट लाइट। उसके साथ यहाँ पर मिल जाएगा रेड कलर का रिफ्लेक्टर्स जो नाइट राइड में हमें एक अच्छा खासा सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा। लेफ्ट में हमें यहाँ पर मिल जाएगा साड़ी गार्ड, उसके साथ ओपन ड्राइव चेनसेट हमें मिल जाएगा। मतलब एवरी 500 एंड 600 किलोमीटर्स के अंदर हमें चेनसेट को वॉश एंड लुब्रिकेट करना होगा ताकि अपना जो चेनसेट है उसका लाइफ बरकरार रहे। बाकी जो पिलियन फुट पैक्स है वो सेम हमें एल्युमिनियम एंड रबर का कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा। एंड आप लोग इस बाइक की साइड प्रोफाइल देखिए, टोटली ऑरेंज कलर में हमें देखने को मिल जाएगा। एंड कहीं कहीं हमें ब्लैक कलर की स्टिकरिंग भी देखने को मिलता है। एंड इसके साथ यहाँ पर हमें मिल जाएगा कीसलॉट जिसके मदद से हम लोग पिलियन सीट को ओपन कर सकते हैं। एंड इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस हम लोग को मिलता है 153 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसके साथ सीट हाइट हम लोग को मिल जाएगा 835 mm सीट हाइट। सीट थोड़ा सा हायर साइड पे हम लोग को मिलता है जो शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी सीट में हमें यहाँ पर RC का ब्रांडिंग मिलता है। एंड सीट कुशन हमें थोड़ा सा हार्ड साइड पे मिलेगा। बाकी जो पिलियन सीट है वो भी सेम कॉम्बिनेशन में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें स्ट्रेचिंग देखने को मिल जाएगा जो सीट को एक प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। बाकी सीट का जो लेदर है, लेदर का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का लेदर KTM ने हम लोग को प्रोवाइड किया है। एंड जो टेल पैनल से वो हमें मिल जाएगा ऑरेंज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाएगा। एंड बाइक का जो टैंक है वो हम लोगों को मिलता है 13.7 लीटर्स इसका फ्यूल टैंक। एंड टैंक हमें डुअल पार्ट में डिवाइडेड मिल जाएगा। फ्रंट वाला जो पार्ट है वो हमें मिल जाएगा मेटेलिक पार्ट एंड जो रियर वाला जो पार्ट है वो हमें मिल जाएगा फाइबर का पार्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा स्टिकरिंग है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी इस बाइक की कर्व वेट हम लोग को मिलता है 172 kg इसका कर्व वेट। एंड अभी चलेंगे इस बाइक की हैंडल बार, उसके साथ इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है देखेंगे वहाँ पर हम लोग को क्या क्या फीचर्स मिलता है।
एंड इसके साथ जो इसका जो फ्यूल कैप है वो हमें मिल जाएगा ब्लैक कलर में। एंड अभी चलेंगे इसका हैंडल वर्ब, उसके साथ देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या फीचर्स मिलता है। एंड उससे पहले आप लोग इसका जो की का डिज़ाइन है आप लोग देखिए, हम लोगों को मिलता है वेब की एंड यहाँ पर KTM का ब्रांडिंग हमें देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ जो इसका जो हैंडल बार है वो हम लोग को मिलता है क्लिप ऑन हैंडल बार। एंड इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो हमें थोड़ा सा एग्रेसिव हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी इसका जो हैंडल बार है उसको हम लोग इसको हैंडल बार राइजर की मदद से इसको थोड़ा सा अप भी कर सकते हैं। बाकी इसका जो क्लच लीवर से वो हमें मिल जाएगा एडजस्टेबल, हम लोग इसको 5 स्टेप में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ फ्रंट ब्रेक लीवर भी हमें मिल जाएगा 5 स्टेप एडजस्टेबल। एंड स्विच क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाएगा हाई बीम लो बीम एंड पास का स्विच, सिंगल स्विच में हमें तीनों फंक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मिलते हैं 4 बटन जिसके मदद से हम लोग पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को टॉगल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर मिल जाएगा टर्न सिग्नल का स्विच, यहाँ पर मिल जाएगा हॉर्न का स्विच। एंड राइट साइड में हमें यहाँ पर मिलता है इंजन की स्विच जो कि रेड कलर में मिल जाएगा। यहाँ पर मिलता है सिल्क का स्विच। इस बाइक में कोई भी हैजर्ड का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो हैंडल बार है आप लोग देखिए, क्लिप ऑन हैंडल बार हम लोग को मिलता है। एंड जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन की टिप में हमें यहाँ पर WP का ब्रांडिंग मिल जाएगा। बोथ साइड हमें WP का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड अभी चलेंगे इसका देखेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोग नोटिस कर सकते हैं हमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक TFT डिस्प्ले KTM ने इस बार हम लोग को प्रोवाइड किया है। एंड जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमें मिल जाएगा TFT डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि 5 इंचज़ का TFT डिस्प्ले हमें यहाँ पर मिलता है। एंड यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स हमें देखने को मिल जाएगा, मतलब इतना फीचर्स लोडेड बाइक आप लोग किसी भी कंपनी में इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलेगा। मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले आप लोग नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर कुछ सिंबल्स मिल जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा ABS का सिंबल, TC का सिंबल मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल, यहाँ पर इंजन मल फंक्शन, हाई बीम लो बीम, टर्न इंडिकेटर, लेफ्ट इंडिकेटर, सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। एंड जो डिजिटल वाला सेक्शन है यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स हमें मिलता है। सबसे पहले नीचे हम लोग को मिल जाएगा क्लॉक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर चिप के ऊपर जितना भी डिटेल्स है सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिल जाएगा बैटरी वोल्टेज इंडिकेटर, यहाँ पर मिलता है ब्लूटूथ का सिंबल। एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा टैकोमीटर, यहाँ पर मिल जाएगा स्पीडोमीटर, यहाँ पर जो ABS मोड है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी रोड मोड पे है, हम लोग इसको ऑफ भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमें मिल जाएगा फ्यूल गेज। सबसे पहले आप लोग नोटिस कर सकते हो बाइक में जितना भी फंक्शन है, जितना भी सेंसर्स है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मोटरसाइकिल वाला जो सिंबल है यहाँ पर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर ABS एंड MTC का ऑप्शन हमें मिल जाएगा। ABS में हमें रोड एंड सुपर मोटो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड इसके साथ जो MTC है यहाँ पर हमें ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन मिलता है, मतलब मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल को हम लोग अपने हिसाब से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बाकी ABS में हमें 2 मोड्स देखने को मिल जाएगा। इसके साथ सेटिंग्स में अगर हम लोग जाएंगे यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स हमें मिलता है, आप लोग अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। एंड इसका जो सीप लाइट है उसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके साथ क्लॉक, डेट, लैंग्वेज, सर्विस रिमाइंडर, सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड इस बाइक का कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग को मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके मदद से इसका जो रियर व्हील है उसको एक्स्ट्रा स्पिन होने से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा ये इंजन। इसके साथ हम लोग मिल जाएगा कॉर्नरिंग ABS। बहुत टाइम क्या होता है, हम लोग जब इसको ट्रैक में लेके जाते हैं, कॉर्नरिंग करते हैं, लीन करते हैं, तब ABS का जो पावर है उसको ये अप डाउन करेगा अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से। बाकी इसमें हम लोगों को मिल जाएगा क्विक शिफ्टर प्लस, मतलब हम लोग अभी इसमें क्लचलेस अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट भी कर सकते हैं बहुत इजीली, स्मूथ तरीके से वो ये हो जाएगा। बाकी इसमें तो स्लीपर क्लच हम लोग को मिलता है, जो एग्रेसिव डाउन शिफ्ट करने पर जो रियर जो व्हील है वो स्पिन होने से बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा हम लोगों को। एंड TFT जो डिस्प्ले यहाँ पर बहुत सारा फीचर्स हम लोग को मिलता है। कुछ फीचर्स तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखा पाएंगे वरना ये जो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो ला सकूँ आप लोगों के लिए। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा और भी इम्प्रूव हुआ है, जैसे इसका जो एयर बॉक्स है वो पहले से ज़्यादा लार्जर एयर बॉक्स अभी हमें देखने को मिल जाएगा। इसके साथ इसका जो हैंडल बार है वो भी मैंने बताया आप लोगों को, वो हमें एडजस्टेबल मिलता है। हम लोग हैंडल बार राइजर की मदद से थोड़ा सा आप इसको करके आप लोग चाहो तो इसको टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका जो हैंडल बार है यहाँ पर हमें बारडेन जो मिलता है वो ब्लैक कलर में मिल जाएगा। इसके साथ इस बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो उसमें हमें राइट बाय वायर थ्रॉटल टेक्नोलॉजी मिलता है, मतलब इस पर कोई वायरिंग हमें नहीं मिलता है, एक सेंसर्स के थ्रू अपना जो एक्सेलरेटर है वो टोटली वर्क करता है।
और इसका जो रिस्पांस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी आप लोगों ने तो देख ले इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसको भी दिखाया एंड छोटा से छोटा फीचर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अभी चलेंगे इसकी प्राइसिंग की ओर, देखेंगे कौन सा प्राइस रेंज में ये बाइक हमें देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले अगर इसकी एक शोरूम प्राइस की बात करें तो हम लोग को मिलकर 3,16,201 रुपीज़ इसका एक शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड सिलीगुड़ी ये बाइक हम लोग को मिलता है 3,77,737 रुपीज़ इसका ऑन रोड सिलीगुड़ी प्राइस। हर स्टेट हर सिटी के हिसाब से इसका जो ऑन रोड प्राइस है उसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर अपने अपने स्टेट अपने अपने सिटी में इसका ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हो या अभी मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो डिस्प्ले पे आ चुका होगा, आप लोग वापस जाके मुझे फॉलो करके मुझे DM भी कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की। एंड जो प्राइस में ये बाइक हम लोग को मिल रहा है एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग कह सकते हो, मतलब लुक्स प्राइस पावर एंड फीचर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इससे ज़्यादा पावरफुल इस प्राइस रेंज में एंड इस सेगमेंट में किसी भी कंपनी के पास कोई भी प्रोडक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसका जो हार्डवेयर है KTM का जो हार्डवेयर है वो पहले से एक प्रीमियम हार्डवेयर हम लोग को प्रोवाइड करता है। बाकी इसका माइलेज की बात करें तो 390cc का बाइक है तो हम लोग इससे 25-30 के आसपास माइलेज हमें मिलेगा। अगर आप लोग ज़्यादा रेप करोगे ज़्यादा स्ट्रेस दोगे इंजन में तो शायद माइलेज थोड़ा और भी कम मिल सकता है हम लोगों को। बाकी कोई भी मेरे व्यूअर्स में से इस बाइक को ओन करते हो तो आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट्स के थ्रू नीचे शेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमें मिल जाएगा रेडिएटर का, ऑयल कूलेट का, यहाँ पर हमें कंटेनर देखने को मिल जाएगा। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डेफिनेटली KTM का बाइक है तो बिल्ड क्वालिटी में कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं कर सकते KTM से। KTM हमेशा से ही कोशिश करते हैं अपना जो बायर्स हैं उन लोगों को एक अच्छा हार्डवेयर एंड अच्छा डिज़ाइन उसके साथ अच्छा एक इंजन प्रोवाइड करने की। एंड इस बाइक में वही हमें देखने को मिलता है। कलरिंग का तो कोई भी इशू हम लोग को नज़र नहीं आएगा एंड जितना भी पार्ट्स है या आपका जो गैप्स है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम सा गैप हमें देखने को मिलता है। एंड आप लोग यहाँ पर अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा रेडिएटर का फ़ैन एंड उस साइड में भी हमें एक और एक फ़ैन देखने को मिल जाएगा। एंड जो रेडिएटर है वो कर्व रेडिएटर हमें देखने को मिल जाएगा। तो अभी इसका एग्जॉस्ट नोट पर चेक करेंगे, आप लोग सुनिए इसका एग्जॉस्ट नोट। और आप लोगों ने सुन लिया इसका एग्जॉस्ट नोट, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी एंड रिफाइन एग्जॉस्ट नोट हमें मिलेगा इस बाइक में। एंड इसका रिव्यू भी आप लोगों ने देख लिया तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब कुछ बताया आप लोगों को डिटेल में रिव्यू किया हम लोगों ने। एंड इस बाइक का किया कौन सा फीचर्स आप लोगों को अच्छा लगा वो मुझे कमेंट से बताइए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। एंड मेरे कोई व्यूअर्स में से इस बाइक को ओन करते हो तो डेफिनेटली आप लोग नीचे कमेंट्स पे अपना अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हो ताकि कोई नया बायर्स अगर सोच रहा है इस बाइक को परचेस करने की तो डेफिनेटली उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल नाइट वॉकर एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminal soul in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, let me get on my face. I got a taste, want the whole plate. Finna get laced if you step out of place. Like, first off, you don't run nothing.